हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम इवनिंग स्नैक्स बना रहे हैं, वो भी मुरमुरों से। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने 2 कप मुरमुरे लिए हैं, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी थोड़ा कम लग रहा है और पानी डलेगा, और इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। दूसरी तरफ हमने आलू लिए, इन्हें छिल लिया है। मुरमुरों को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे अब हम छानेंगे। आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। आमचूर पाउडर 1 चम्मच, पुदीना पाउडर 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हींग 1 पिंच, काला नमक 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, बारीक चॉप किए हुए प्याज, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, जो मुरमुरे भिगा रखे थे उसे छान लिया वो डाले हैं। हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल रहे हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट पाउडर डालें, अरारोट पाउडर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने सादा नमक भी डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और इसका डो तैयार करना है। ये अच्छी तरह डो तैयार हो चुका है, इसे 10 मिनट हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। हाथों में घी लगाएंगे और छोटे छोटे बॉल इसके बनाएंगे। हम हथेली में रखकर बीच में दबाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा चीज इसमें डालेंगे और इसे चारों तरफ से बंद करेंगे। इसी तरह हमने सब बॉल्स अपने तैयार करने हैं। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डाला। ऑलिव ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम एक एक कर बॉल्स डालेंगे, मीडियम आंच कर देंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, दोनों तरफ से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इन्हें धीमे से निकालेंगे और सर्व करेंगे। ये बॉल हमारे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ इनका मजा दुगना ही हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।